हाय फ्रेंड्स, आ गए हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके। जिसने आगे वाले वीडियो नहीं देखे प्लीज़ वो आगे वाले वीडियो देखे तो उनको मालूम चल जाएगा कि आगे क्या पूरा प्रोसेस हुआ था। और जिन्होंने आगे वाले वीडियो देखे हुए हैं उनको मालूम होगा कि हमारा 15 अप्रैल को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था। तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो पूरा क्या एक्सपीरियंस था वो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं और मेरी वाइफ इस बार आपके साथ है। तो मेरे वाइफ को मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या क्या पूरा एक्सपीरियंस था, तो वो हमारे साथ शेयर करेगी। सो मैत्री देसाई, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। कितने बजे आप पहुंचे थे पहले तो वो बताइए। हम सुबह 9 बजे खाना खा के पहुँच गए थे। ओके, तो उसमें फास्ट करके नहीं जाना रहता? नहीं, फास्ट ऐसा कुछ भी नहीं, खाना खा के 9 बजे पहुँचने का रहता है। और 12 बजे सब फॉर्म सब फिलअप करके हम अंदर चले गए थे और रूटीन वाला इंजेक्शन देते सबसे पहले। ओके, और आप कितने लोग थे? और हम 10 लोग थे। ओके, पहले आपको इंजेक्शन दिया और फॉर्मालिटी में जो आपको रहते हैं फॉर्म फिलअप करने में, उसमें क्या क्या रहता है? उसमें हस्बैंड वाइफ के आधार कार्ड्स रहते हैं, उसमें सब सिग्नेचर्स रहते हैं, 2 फोटोकॉपीज, मैरिज सर्टिफिकेट, वो सब रहते हैं, वो सब फिलअप करके अंदर जाना पड़ता है। ओके, सो एम्ब्रियो अंदर बुलाने के बाद आपको इंजेक्शन दिया और आप पानी पीने को बोला था? हाँ, हमको अंदर 12 बजे बुलाते हैं और रूटीन वाला इंजेक्शन देने के बाद वो लोग बोलते हैं कि पानी पी को बैठना है, 2 आवर्स पानी पी के बैठना है और वॉशरूम नहीं जाना है, होल्ड करके रखना है। ओके, तो कितना एम्ब्रियो ट्रांसफर में कितना टाइम लगा और कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर किए? एम्ब्रियो ट्रांसफर में विदिन 7 मिनट में हो जाता है। हम 10 लोग थे, 1 by 1, मतलब आधा घंटे में तो 10 लोगों का हो गया था। ओके, आधे लोगों में आधे घंटे में 10 लोगों का एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुका था और 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए। ओके, ये देख सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे। तो उसका ये समरी भी हमको दिया हुआ है कि ये 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे। ओके, और उसके बाद आपको कोई बेड रेस्ट या क्या? उसके बाद कोई बेड रेस्ट ऐसा कुछ नहीं करने का। जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं वो लोग बोलते हैं 5 मिनट वॉक करो, फिर वॉशरूम जाके आप चेंज करके बैठ जाओ, और बहुत सारी दवाइयाँ वो सब देते हैं और समझाते हैं। और उसमें कुछ दर्द कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता इसमें। एम्ब्रियो ट्रांसफर में कुछ तकलीफ और कुछ दर्द कुछ नहीं? एनेस्थेसिया ऐसे सीरिन बॉटल्स कुछ लगाते, कुछ नहीं होता ऐसा। और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद 2 दिन हो चुके हैं, तो आपका कोई एक्सपीरियंस, कुछ दर्द तो कुछ तकलीफ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब वैसे नॉर्मल ही रहने का है। उसमें ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होती है, कुछ नहीं होता, उसके बारे में सोचना भी नहीं रहता है। ओके, और आपको क्या क्या बताया गया उसके बाद, आपको क्या ध्यान रखना है और क्या करना है? ये सब ध्यान रखना है कि हमको वो हो जाने के बाद दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, और मतलब झाड़ू पोछा वो सब बैठ के जो करने वाला काम है वो सब नहीं करने का है। ओके, वही सब बताया। और 2 व्हीलर पर बिल्कुल नहीं जाने का है, सिर्फ ओनली 4 व्हीलर, मतलब 2 व्हीलर में आप ट्रैवल मत करिए। बने तो आप ऑटो और 4 व्हीलर में ट्रैवल करिए उसके बाद। और उसके बाद आपको कौन कौन सी मेडिसिन दी गई है एक बार जरा बताइए। उसके बाद हमको ये सब मेडिसिन दी गई है, वजनली वे मेडिसिन जो 2 टाइम लगाने का रहता है वजनली, और ये सब मेडिसिन है वो 2 टाइम लेने की रहती है। प्लीज आप ये पॉज करके भी देख सकते, तो ये सब मेडिसिन दी और उसके बाद हमको फिर 29 अप्रैल को बुलाया है PTSG रिपोर्ट के लिए। सो हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है और इस बार मेरे वाइफ के साथ मैंने अपना वीडियो शेयर किया है, तो आपको पूरा मालूम चले कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। तो उसके बाद 2 दिन के बाद आपको कुछ ऐसा दर्द और कुछ तकलीफ हो रही है? कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, सब नॉर्मल है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे लिए दुआई कीजिए, हमारा जो भी रिपोर्ट होगा वो 29 अप्रैल को हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा ये IVF सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारे लिए दुआई कीजिए। थैंक यू।